पर्सोना सिस्टम जो है ये अगर आप देखें तो इसको कहते हैं पर्सनल सिस्टम बेसिकली, लेकिन पर्सोनल भी लिख देते हैं अमेरिकन्स, लेकिन इसका मतलब ये है ऐसे सिस्टम जिसके अंदर इंसानी जो लेबर फोर्स है उसका डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। असल में होता ही है कि जिस तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं एक यंग मैन की तरह, वक्त के साथ साथ आप ग्रो करते जाते हैं, आप अगली स्टेज पे चले जाते हैं और आपकी स्किल्स बढ़ती जाती है, तो जरूरत इस अमर की होती है कि आपका बायोडाटा, आपका प्रोफाइल उसके साथ साथ हम अपडेट करते रहे। उसका मकसद ये होता है कि जरूरत पड़ने पे हम वहां से वो काम भी ले सकें जो आपकी नई स्किल्स है, जो आपकी नई स्किल्स है। जैसे देखिए क्रिकेट को आप देखते हो, एक बॉलर अक्सर जब आता है तो बॉलर ही होता है, लेकिन थोड़े ऐसे बाद ना बैटिंग में उसका नंबर ऊपर आना शुरू हो जाता है, यानी उसको थोड़ी थोड़ी बैटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक नेचुरल सी बात है। इसी तरह जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए जाते हैं तो अक्सर हमारी स्किल जो होती है वो मार्केटिंग होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने स्टाफ के ऊपर एक ग्रिप करते जाते हैं तो पता लगता है कि मैनेजमेंट स्किल्स भी हमारी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ कंप्यूटर की लर्निंग भी बढ़ती गई। तो पर्सनल सिस्टम का मतलब यह है कि हर वक्त हर बंदा या हर लेबर फोर्स जो आपकी है उसके मुताबिक उसकी स्किल्स, उसके नए स्किल्स, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन, उसकी न्यू क्वालिफिकेशन, ये सारा रिकॉर्ड अपडेट रहे और हमने उसे क्या ट्रेनिंग दी है और आगे उसे किस ट्रेनिंग की जरूरत है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। इसका मकसद क्या हो सकता है आपके ख्याल में? इसका मकसद सिंपली ये हो सकता है कि हम ये चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ उसकी सैलरी, उसकी वेजेस में भी तो इजाफा किया जाए ना, क्या हाल है बच्चों? तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहली बात, पर्सनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है सपोर्ट करने के लिए, किस चीज को? शाबाश बच्चों, सपोर्ट करने के लिए डाल देता, फिर ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन ये छोटा सा हिस्सा यहाँ डाल दिया इन्होंने, तो आप ये कहते हैं पर्सनल सिस्टम एग्जिस्ट करता है सपोर्ट करने के लिए, किस चीज को सपोर्ट करने के लिए बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। जैसे क्या फंक्शन हो सकते हैं उसकी उसने मिसाल दी है। सबसे पहले मिसाल दी है कि ड्यूटीज ऑफ मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट वर्कफोर्स, किसके जिम्मे कौन सा काम लगाया था, किसके जिम्मे कौन सा काम लगाया था और उस काम के लिए हमारे पास रिलेटेड वर्कफोर्स मौजूद है या नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले बच्चों चीज है क्या? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब पता क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि हमें अगर किसी पोजीशन के लिए वर्कर की जरूरत है तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की जाए और वो लिस्ट हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम में मौजूद हो कि इस पोस्ट के लिए किस किसने अप्लाई किया है। सिर्फ इस लिस्ट का नाम रिक्रूटमेंट है, सिर्फ इस लिस्ट का नाम रिक्रूटमेंट है। क्या मतलब? एक पोस्ट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और वो इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं, उस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। क्या मतलब मैंने कहा बच्चों? एक पोजिशन के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जो कि इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक हो गई बात? याद रहे ना? क्या है रिक्रूटमेंट बताओ? लिस्ट तैयार करने कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया जो इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब लेकिन अकाउंटेंट के लिए हमें उर्दू भी अप्लाई कर दे तो जाहिर है वो तो नहीं ना लिस्ट में आएगा, ठीक है। और अगर ऑडिट है, ऑडिट के लिए कोई एमकॉम अप्लाई कर दे तो वो भी बीच में नहीं आएगा, वो फिर ऑडिटर एक्सपीरियंस वाला बंदा आएगा। तो जो इररिलेवेंट होंगे वो निकाल देंगे और सिर्फ क्या रखेंगे? रिलेवेंट। अच्छा, अब सिलेक्शन उसके बाद की बात है। अब सिलेक्शन आप सब बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे कि सिलेक्शन के लिए उन्हीं में से लोगों को बुलाएंगे, उनका टेस्ट लेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू करने के बाद जाहिर बात है फिर उसकी हायरिंग कर लेंगे, जो जो लोग कैपेबल होंगे वो हायर हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो इसका मतलब ये हो गया जो था आपका रिक्रूटमेंट, उसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम ने वो लिस्ट मेंटेन की जो के लोग क्वालिफाई करते थे जॉब के लिए। और जो हमारा सिलेक्शन वाला मामला है
रिक्रूटमेंट वाला, अगर जब काम करने लग गए जॉब पे आ गए तो क्या वो एग्जैक्टली हमारी नीड को पूरा करे होंगे? वे यूनिवर्सिटी को पता हमें क्या चाहिए? यूनिवर्सिटी को तो नहीं पता, आई कैप को तो नहीं पता हमें क्या चाहिए, वो तो हमारा निजाम जाएगा अपना होगा, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? उस स्टाफ की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और अगर लोगों को काम देके बेफिक्र हो जाए परवाही ना करें कभी कैसा हो रहा है तो लोग तो काम अच्छा नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लूज परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? उनकी अप्रेजल करते रहेंगे और उनको वक्तन फक्तन रिपोर्ट बना के देते रहेंगे। जैसे आपकी छठी सातवीं में रिपोर्ट स्कूल से आती थी जिसपे लिखा होता था सख्त मेहनत की जरूरत, लाल रंग से लिखा होता था सख्त मेहनत की जरूरत है, मेरे सारे गजलों पे लिखा होता। तो मतलब कहेंगे वो जो रिपोर्ट है वो इसको भी हम थमाते रहे ताकि वो नहीं, वैसे मजाक करो ऐसा नहीं, जो चीजें बेहतर हुई होती है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और जो चीजें इंप्रूव होने वाली उनको आइडेंटिफाई करके तरीका बताना चाहिए कैसे इंप्रूव, और लोगों के साथ मुसलसल काम करना चाहिए फिर वो इंप्रूव होती है, ऐसे इंप्रूव नहीं होते। यानी आज इस टीचिंग की शक्ल में मैं यहाँ बैठा हूँ ये एक दो दिन का काम नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा गौरों ने मेहनत की है, क्योंकि मैं नहीं ACCA में पढ़ाता रहा हूँ, मैंने पढ़ाना वहां से शुरू किया है, तो मेरी ज्यादा ट्रेनिंग जो है ब्रिटिश ट्रेनर्स ने आयरिश ट्रेनर्स ने की हुई है, क्योंकि दो दो तीन तीन दिन के वर्कशॉप लाउंज में बुला के वो कराते थे और वहां हमें पढ़ाना सिखाते थे, तो काफी मेहनत की उन लोगों ने, वाकई दे मेड मेनी चेंजेस। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कही अब नहीं करते, अगर वो करें तो इससे भी बेहतर हो सकते। अच्छा बच्चों, अब आगे बात बच्चों रिक्रूटमेंट के ऊपर के रिक्रूटमेंट के मामले में हमारी क्या मदद कर सकता है, तो देखिए ये हाईलाइट करता रहता है कि कौन सी जॉब वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टाफ को, यानी सिस्टम खुद ही एग्जिस्टिंग स्टाफ को बताता रहता है कि ये जॉब अवेलेबल है। अच्छा, एग्जिस्टिंग स्टाफ को बताने का क्या फायदा है? वहीं पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास दूसरी स्किल भी हो, और अगर वो खुद ना हो उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि वो इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड में उनके दूसरे दोस्त भी तो होंगे ना, और वो जाकर उन्हें बताएंगे कि यार हमारे पास ये वाली वैकेंसी अवेलेबल। दूसरी बात ये, रनिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैंपेन ट्रैकिंग देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, ये खुद बहुत आपके जो पोर्टल ही होता है जिसको आप वेबसाइट कह सकते हैं उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे आप UMT का जाएंगे तो UMT की वेबसाइट पर आया होगा कि आजकल हमें बायोटेक्नोलॉजी में एक PhD प्रोफेसर की साथ रिक्वायरमेंट लिखी होगी कि इतने आर्टिकल्स हो, ये हो वो। इसी तरह अगर आप नेस्ले की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा कि हमें आजकल किस स्किल्स के लोगों की जरूरत है, तो ये साथ ही साथ ही करता है। लेकिन उसके साथ साथ आप जानते हैं कि लोग रिडंडेंट भी तो हो जाते हैं। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? फालतू हो जाते हैं, सरप्लस स्टाफ। क्या मतलब? तो कहते हैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वॉलंटरी रिडंडेंसी प्रोग्राम, जिसके अंदर लोग खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे बस यार इस काम में अपना काफी सेचुरेशन होगी, अब मुझे ये काम छोड़ के कोई दूसरा काम देखना चाहिए। और उसके अंदर बाद लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमने काफी पैसा कमा लिया, काफी हम ऐसा करते हैं कि ये पैसा लेके या ये अपॉर्चुनिटी छोड़ के किसी और चीज में ट्राई करते हैं, क्या हाल नहीं बच्चों? जैसे हो सकता है किसी चीज यू नो रोजाना मेरी पेंट खराब कर एंड एग्जीक्यूशन की बात कर रहे थे हम बच्चों, तो हमने बात ये की थी कि रिडंडेंसी जो है, अब देखिए रिडंडेंसी के ना दो बड़े मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से वो यूनिट ही बंद हो जाए, वो यूनिट ही बंद हो जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उस यूनिट की जरूरत ना रहे। जैसे आप तैयार आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्बेटर का यूनिट है नहीं, हर गाड़ी में कार्बेटर होता ही नहीं है, पहले कार्बेटर बनाने का भी एक इदारा होता था, खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया, कार्बेटर वाइंडर हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट पहले बनता हो उस प्रोडक्ट की जरूरत ही ना रहे, बदल जाए। जैसे मिसाल के तौर पे जितनी कैंडल्स पहले बिकती थी अब उतनी नहीं बिकती, आज सिर्फ बर्थडे के लिए कैंडल आती, क्यों? घरों में UPS की सहूलत आ गई है, बैटरी चार्ज हो जाती है, निजाम बदल गया। तो ऐसी सूरत में जब टेक्नोलॉजी और हालात बदल जाए, जॉब जो है वो खत्म हो जाए वो वाली,
तो वॉलंटरी का मतलब यह है कि आप खुद से आइडेंटिफाई कर लें कि ठीक है यार अब ये काम खत्म हो गया, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, तो सिस्टम उसमें आपकी मदद करे। दूसरी बात, प्लानिंग की जा सके रिडंडेंसी को कि जो लोग यहां काम कर रहे हैं उनको जाहिर निकालना तो है क्योंकि वो काम खत्म हो गया है, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे हो जाए, जो उनके साथ वादे किए वो पूरे किए जाए। मिसाल के तौर पर उनका कोई आपकी तरफ कंपनसेशन निकलता हो अदा करें, कोशिश करें कि वो किसी दूसरे यूनिट में एडजस्ट हो सके। हो सकता है वरना ये कोई ज्यादा मुश्किल बात, जिस फील्ड में आप होते हैं उस फील्ड के दो चार पांच ऐसे एरियाज होते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी मेहनत की जाए तो आप दूसरे एरिया में जब कर सकते। अच्छा बच्चा, अब आगे पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। देखिए, मेंटेन रखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसकी डिटेल। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय किसी भी वक्त लिटिगेशन में जा सकता है, उसकी सैलरी क्या है, उसके हॉलीडेज क्या है, उसका एंटाइटलमेंट क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, सारी इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है उसका फैमिली एंड मेडिकल डिटेल्स, मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के उसके अंदर मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट की क्या आपने डिटेल रखी थी, क्या समझे बच्चों? अच्छा, उसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है। जाहिर है एक एज होती है ना कि कितनी एज हो गई काम करते हुए उसको, कितने साल हो गए, ट्रेनिंग लेकर ट्रेनिंग कौन कौन सी उसने ली है और उसके अंदर क्या सीखा है। और बच्चों उसके बाद ट्रेनिंग प्लान भी होना चाहिए ना कि जिंदगी ऐसे तो नहीं, उसको ग्रो करना चाहिए भाई। हो सकता है कल को सीएफई का मूड आएगा, नहीं जी बशर साहब जो है बड़ी मेहनत की है इन्होंने, इनको हम ऐसा करें किसी बाहर के मुझसे पीएचडी करवाते पैसे लगा, तो ट्रेनिंग के तौर पर। और इसी तरह बच्चों की क्या है, क्योंकि पता चले कि एक इंसान गलत है ना क्लर्क ही मार देना उसको, नहीं यार उसकी जिंदगी को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी जिंदगी में भी तरक्की करने का हक होना चाहिए, उसकी जिंदगी में भी चेंज आना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। लिहाजा क्वालिफिकेशन और स्किल्स में इजाफा होना चाहिए। कभी भी किसी क्वालिफिकेशन को आखिरी क्वालिफिकेशन ना समझे, हमेशा प्रोग्रेस करें आगे की तरफ। अच्छा बच्चा, अमाउंट ऑफ हॉलीडेज कितने, ठीक है कितने ले लिए, जाहिर बात है 16 हॉलीडेज होते हैं जो इजाफी होते हैं बीमारी के, सिक लीव वगैरह, तो जरा रिकॉर्ड रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कोई बंदा अपनी नानी 4 दफा मार दे या अपनी दादी को 8 दफा मार चुका हो, तो ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। तो सिस्टम में लिखा हो इसकी एक नानी थी जो मर चुकी है, दादी जी वो मर चुकी है, ताकि अगली दफा कोई नया रिश्तेदार मारे उसी रिश्तेदार को बार बार ना मारे। अच्छा बच्चों, उसके बाद सिक लीव अगर क्योर एंड टेकन प्लस ऑथोराइज एब्सेंस सच एज क्या शाबाश बीवरेजेस, यानी ये होती है आप ही कह लीजिए कुछ थोड़ी सी रिक्रिएशनल ऑफ वगैरह होते हैं और अजाफी छुट्टियां होती है, अगर वो भी ये ले चुका है तो फिर हमें इसका हिसाब करना पड़ेगा ताकि फिर उसके बाद डिडक्शन की तरफ आ जाएंगे, उससे ज्यादा छुट्टियां पेड नहीं देंगे उससे पहले अनपेड देंगे, और उससे भी आगे जाता है फिर हम उसको वार्निंग वगैरह दें ताकि ये रवैया दूसरों में ट्रांसफर ना हो जाए, क्योंकि ये रवैया ट्रांसफर हो जाता है कि जैसे फर्ज करें एक बंदा छुट्टी करता मुझे नजर आता है यार वो तो एंजॉय कर रहा है, मैं इधर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो कल मेरा भी दिल चाहेगा कि यार मैं भी तो 2-4-5 छुट्टियां करूं, मैं भी एंजॉय करूँ, ठीक है ना। पर मेरी तो आप आदत जानते हैं, तो क्लास में बीमार हो तो आया होता हूँ, मेरे से ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ऐसा तो नहीं कि बगैर बताए ही छुट्टियां करी जा रहा, ठीक है ना, ये टॉलरेबल नहीं होता। और टाइम ऑफ क्या है, टाइम ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि इसके जाने और आने का क्या टाइमिंग है, यानी कब इसको आप छुट्टी होती है, कब ये आता है, और इसका डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड क्या है। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड रखना इसलिए जरूरी होता है कि आपने देखा बहुत लोग लड़ाके होते हैं, हर एक के ऊपर एनी प्रेशर डाला हुआ, तो इस तरह के लोग भी फैक्ट्रियों में काम पे एक्सेप्टेबल नहीं होते, चूंकि ये लोग जो है डिसिप्लिनरी सिचुएशन पैदा करते हैं, इनकी वजह से भी दूसरों का एटीट्यूड खराब होता है, तो ये काबिल कबूल नहीं होता, तो हम इसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। बोनस एंड पे हिस्ट्री, कितने बोनस ले चुके हैं, हिस्ट्री तो रिकॉर्ड तो रखनी है ना, इसलिए लिया गया हमारे से, एडवांस भी लिया हो सकता है कि नहीं,
अच्छा बच्चों, अदर रिवॉर्ड एंड कमिटमेंट्स, और कौन से रिवॉर्ड और कमिटमेंट्स इसको ले चुके हैं? ठीक हो गया बच्चों? और क्या बच्चों? एनुअल अप्रेजल, साल वाली रिपोर्ट, वही वाली सख्त मेहनत वाली, वो भी करनी चाहिए। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा ये जानना बड़ा जरूरी है। इसकी वजह ये है, आपके एम्प्लॉयज के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे मैच करेंगे? और दूसरा एक बात ये भी याद रखिए, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से हम एक चीज को और अंदाजा लगा सकते हैं, वो क्या, कि ये बंदे में फ्रॉड का बिहेवियर कितना है। ड्राइवर हो, रोल्स रॉयस लेना चाहता हो, ओवर एंबिशियस हो, ये बातें क्रिटिकल होती है, ये बातें क्रिटिकल होती है। हम इनको साइन आइडेंटिफाई करते हैं और इन चीजों को हम फिर फ्रॉडुलेंट बिहेवियर में असेस करते हैं हर बंदे कि ये बंदे का इलीगल ट्रेंड हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल आमतौर पे ऑब्जेक्टिव्स का जानना बड़ा जरूरी है कि एक बंदे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कि एक बंदा है सीए इंटर है, हमारे पास आया है, हमारा भी फर्ज करें फाइनेंस मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहता है मैं सीए क्वालिफाई करूंगा। पता तो होना चाहिए ना कि इसका एम क्वालिफाई करने का है, ताकि हम उसकी मदद भी तो करेंगे ना उसके अंदर। अच्छे गोल को अचीव करने में लोगों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो पर्सनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए और ट्रेंड और समरी हमारे पास मौजूद रहनी चाहिए, ताकि उसके मुतालिक जब भी फैसला करना उस पर टाइम ना लगे। मिसाल के तौर पे बेनिफिट्स रिपोर्ट, हम इसको बेनिफिट्स क्या कहें, ठीक है जी। हेड काउंट यानी इम्प्लॉय नंबर, आईडी नंबर होता है ना हर इम्प्लॉय का, कि कितने इम्प्लॉयज है, और पे डिटेल एंड टोटल वेज एक्सपेंस के हमारा कितना एक्सपेंस आता है वेज का, जेंडर एंड डाइवर्सिटी मिक्स इन इंफॉर्मेशन के हमारे पास कितनी मेल्स है कितनी फीमेल्स है। मिसाल के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल का होना बड़ा जरूरी होता है और मेल्स का होना भी जरूरी होता है, मिक्स जेंडर होना बड़ा जरूरी है। इसके बड़े फायदे भी, इसके बहुत ज्यादा फायदे, इसके बहुत ज्यादा फायदे है। अभी रिसेंटली मैं जब यहाँ ज्वाइन किया, मैं अभी आया हम यहाँ पे, तो फीमेल नहीं थी, तो मैंने इनको फौरन कहा कि हमें फीमेल एम्प्लॉय की अशद जरूरत है, चूंकि सम टाइम फीमेल्स वांट्स टू डिस्कस समथिंग विद फीमेल्स, सो वी मस्ट हैव सम फीमेल इन द स्टाफ, सो दैट। तो ये बड़ा एक मिक्स्ड होना बड़ा जरूरी है, तो फ्रंट ऑफिस में एक फीमेल मौजूद है, पॉइंट की गई स्पेशली इसी। एंड देन यू सी दैट के एक चीज ये भी है कि एनवायरमेंट जो है वो एक नेचुरल एनवायरमेंट रहता है। जैसे अगर आपकी फैमिली में सिर्फ बॉयज हो, गर्ल ना हो, एक बहन आपकी ना हो, तो घर का माहौल और होगा, लेकिन अगर बहन भी हो भाई भी हो तो माहौल और होगा। तो यही चीज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहते हैं कि ये बहने भी हो और भाई भी हो, ताकि एक माहौल ऐसा रहे जिसके अंदर सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज किए जाएंगे। और जेंडर डाइवर्सिटी की वजह से बास काम ऐसे होते हैं जो फीमेल अच्छे कर सकती है, बास काम ऐसे होते हैं जो मेल अच्छे कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मेल्स अगर हम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो हमारा मेल स्टाफ खेलेगा, फीमेल स्टाफ सपोर्ट करेंगे। अच्छा, देन यू से वो डेडिकेटेड काम है जिसके अंदर कंसिस्टेंट वर्क चाहिए, तो उसके लिए हमें फीमेल्स की ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। उसकी वजह ये कि उन्होंने बाहर नहीं जाना, 8 आवर्स पूरे काम करना है, सिर्फ लंच के लिए उठना है, तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए जेंडर मिक्स होना जरूरी है। और वैसे भी रोजगार का मामला भी देखिए ना, कि 52% आबादी अगर फीमेल है, 50-50 है दोनों, तो क्या एक जेंडर को बेरोजगार कर दिया जाए? तो ऐसा नहीं है, फिर दोनों के लिए हमें अरेंज करनी पड़ेगी रोजगार। अच्छा, उसके बाद फिर डाइवर्सिटी के अंदर ये भी है कि हमें ख्याल रखना चाहिए हमारे मुल्क में किस एज के लोग ज्यादा है, उनको ज्यादा अकोमोडेट करें, ठीक है। अच्छा, एज प्रोफाइलिंग भी होनी चाहिए इस लिहाज से। अच्छा, टेन्योर प्रोफाइलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ही होती है कि इम्प्लॉयज लंबे अरसे तक हमारे साथ एसोसिएट रहे। इम्प्लॉयज जल्दी जल्दी आते और जाते रहे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होती। और एब्सेंस एनालिसिस, लोगों ने छुट्टियां वुट्टियां कितनी की है, ये भी देखना बड़ा जरूरी होता है। तो ये बच्चों, इसके लिए हमने ये पूरा निजाम बनाया हुआ है, बजाय इसके कि ये हम फाइल्स में देखे, बुक्स में देखते रहे, अच्छा ये हम इसको क्या करें, एक रिकॉर्ड में रख लें, ताकि हम इसको आसानी से मैनेज कर सकें। तो ये